हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इनकम टैक्स में एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं. दैट इज नोन एज इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सेक्शन 9. सेक्शन 9 क्या कहता है? इनकम deemed to accrue or arise in India. बहुत ही confusing माना जाता है और exam में इससे question आने की possibility वैसे ही ज्यादा रहती है. साथ ही साथ practical life में तो है ही इसका importance इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि Finance Act 2018 यानी कि असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए इसमें अपडेशन यानी कि अमेंडमेंट्स आए हैं. ओके, और एक नहीं दो अमेंडमेंट्स आए हैं और इसने इस सेक्शन को सोचने और समझने का मादा ही चेंज कर दिया है काफी हद तक. जहां पर अमेंडमेंट नहीं है वो तो ओके, लेकिन जहां अमेंडमेंट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. बेसिकली जब हम इस सेक्शन की बात करते हैं ना तो हमारे सामने दो तीन नई चीजें याद आ जाती हैं. पहला ये कि ये हमारे नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर ये नॉन रेजिडेंट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं और अधिकतर में इंटरनेशनल टैक्सेशन में भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो चाहे वो आउटसाइड इंडिया आप कोई ट्रेड करते हो, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, या फिर वो आप नॉन रेजिडेंट के साथ टैक्सेशन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, दिस विल प्ले अ वेरी वाइटल रोल. एग्जाम में आने की चांसेस अब आपको समझ में आ गई कहां कहां आ सकता है और चूंकि इसमें अमेंडमेंट है तो पूछे जाने की गुंजाइश और भी ज्यादा है. चलो सेक्शन 9 बिजनेस कनेक्शन. मैंने बिजनेस कनेक्शन वर्ड बोला है लेकिन सेक्शन 9 की अगर बात करें तो ये सेक्शन हमारा कई पार्ट में टूटा हुआ है. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. ये सेक्शन हमारा ये 7 पार्ट में टूटा हुआ है. ठीक है, अब पहले की बात करें तो फर्स्ट पार्ट अकेले 4 जगहों पर तोड़ा गया है. सर आप किसी सेक्शन को कितनी बार तोड़ेंगे ये तो अब आपके ऊपर है, लेकिन अब अगर हम बात करें इस सेक्शन की तो ये हमारे टोटल पार्ट्स समझ में आएंगे. आज मैं आपके साथ केवल और केवल पहला पार्ट जिसको हम कहते हैं बिजनेस कनेक्शन उसी के बारे में बात करूंगा. मींस द रेस्ट ऑफ द सेक्शन विल बी डिस्कस्ड इन आवर नेक्स्ट सेशन. सर बाकी सारे आपके एक लेक्चर में कवर हो जाएंगे? यस, ये आज केवल एक लेक्चर में कवर होगा, होप सो. अगर थोड़ा बहुत कुछ बच गया जैसे बीपीओ के टैक्सेशन के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, नॉट इन दिस लेक्चर बट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. वंस यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग और यू कैन गेट द जिस्ट ऑफ दिस सेक्शन, आफ्टर दैट आई विल ट्राई टू डिस्कस विद द बीपीओ सेक्शन. बीपीओ सेक्शन देयर इज नो एनी डिफरेंट सेक्शन बट यस दिस इज द पार्ट ऑफ दिस बिजनेस कनेक्शन. क्योंकि आजकल हर जगह पर हम लोग को बीपीओ दिन भर देखें तो आपको कॉल सेंटर से कॉल्स आती होंगी, या आप अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेडेशन डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं तो आपको बीपीओ सपोर्ट करता है. ऑनलाइन डेटा की बात करें तो वहां पर बीपीओ आपको सपोर्ट करता है हर जगह. तो उसके टैक्सेशन की बात करेंगे बट वो ज्यादा टाइम नहीं लेगा. अब हम बात करेंगे इन सारे टुकड़ों की. पहले तो ये बताइए सर सेक्शन 9 में आप हमें क्या क्या बताएंगे. जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें हम लोग 4 पार्ट देखेंगे. 1, 2, 3 and 4. पहला है इनकम थ्रू और
फ्रॉम, ये थ्रू और फ्रॉम का भी मतलब बताया गया है। चलिए ये कॉमन वर्ड है, हम इसके नीचे की बात करते हैं। थ्रू और फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, और मैंने पहले ही बताया कि आज हम इसकी बात करेंगे। और दूसरा, एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया, इनकम थ्रू और फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया, इनकम थ्रू और फ्रॉम एनी एसेट और सोर्स इन इंडिया। ओके, इनकम थ्रू और फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इन इंडिया, ये है आपका सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1। इसके आपने चार पार्ट कर डाले, 1, 2, 3, 4। इसकी मैं बेयर एक्ट की मीनिंग आपको बताता हूं। उस फर्स्ट पॉइंट को मैंने इन चार पार्ट में तोड़ा है, नीचे दिया भी हुआ है सेक्शन 9(1)(1). ऑल इनकम accruing और arising, whether डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, थ्रू और फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया फर्स्ट, थ्रू और फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया सेकेंड, थ्रू और फ्रॉम एनी एसेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया, ओके, और थ्रू द ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। बात खत्म। ये हमारा अगर सेक्शन 9(1)(1) की अगर हम बात करें तो ये इस चार पार्ट में तोड़ देता है। तो उसको अगर पढ़ेंगे तो बहुत ही कंफ्यूजिंग फीलिंग आती है, लेकिन यहां पर अगर ऐसे देखेंगे तो इट इज सो इजी। अगर हम देखें तो ये बात करता है पीजीबीपी की, ये बात करता है हाउस प्रॉपर्टी की, ये बात करता है कैपिटल गेन की, ये बात करता है अदर सोर्सेस की। और ये तो था 9(1)(1), लेकिन 2 बात करता है सैलरी, ठीक है आज हम बात नहीं करेंगे। 3 ये भी बात करता है सैलरी, ठीक है आज हम बात नहीं करते। 4 इंटरेस्ट, डिविडेंड, लाइन से चलते हैं, डिविडेंड कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, इंटरेस्ट कोई डिस्कशन नहीं होगा, रॉयल्टी, ठीक है, और फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, हम इनके लिए कोई भी डिस्कशन आज नहीं करने जा रहे। इनके लिए क्या, ये पूरा। मैंने कहा आज का लेक्चर हमारा केवल और केवल बिजनेस कनेक्शन तक ही लिमिटेड रहेगा, और सेक्शन 9 की अगर बात करें तो इतने पॉइंट्स हम लोग को डिस्कस करने हैं। याद करना बहुत आसान है, सैलरी डिविडेंड इंटरेस्ट रॉयल्टी एंड फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। सैलरी डिविडेंड इंटरेस्ट रॉयल्टी एंड फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। और इसकी बात करें तो इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग थ्रू और फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, इन इंडिया इज इंपॉर्टेंट, एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया इज इंपॉर्टेंट, एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया इज इंपॉर्टेंट, एनी एसेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया इज इंपॉर्टेंट, और थ्रू और फ्रॉम एनी ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट इन इंडिया इज इंपॉर्टेंट। तो अगर इन चीजों का इन इंडिया से मतलब है तो अब आगे बात करते हैं। अगर हम आपको बोलें कि रेजिडेंशियल स्टेटस में हम लोगों ने 3 चीजें देखी थी, बेसिकली रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, और रेजिडेंट में भी 2 चीजें देखी थी, ROR एंड RNOR। अरे मैंने क्या बोला, अरे इस पर तो ग्लोबल इनकम पर टैक्स लगता है ना,
बिना ये सोचे हुए कि ये कहाँ है, कैसा है, किस चीज पर कमा रहा है, चाहे वो इन इंडिया से कमाए चाहे आउटसाइड इंडिया से कमाए, ग्लोबल इनकम पर टैक्स लगता है, एग्री ना? प्रॉब्लम तो इन दो के केसेस में आता है, और वहीं पर हमको सोचना पड़ता है कि अगर कोई इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया है, प्रॉब्लम कितने है? अगर कोई इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया है, अगर ये सेक्शन नहीं होता तो हम लोग इन इनकम्स को शायद टैक्स नहीं लगाते। लेकिन अब इसके आ जाने से इन इनकम पर, जो भले ही आउटसाइड इंडिया में एक्रू या अराइज होती हैं, उनको मान लिया जाएगा कि वो इन इंडिया एक्रू और अराइज हुई हैं। दैट्स इट। अब बात समझ में आ रही होगी हम किसके लिए बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये सेक्शन रेलिवेंट है ओनली फॉर आर एन ओ आर और एन आर के लिए, पक्की बात है? हाँ जी। और तो और, ये सेक्शन बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है उन केसेस में जहां पर कोई इनकम रिसीव्ड इन इंडिया या डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया या एक्रू और अराइज इन इंडिया हो, यानी ऑलरेडी अगर कोई इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया है वहां पर ये सेक्शन नहीं लगेगा। अगर कोई इन इंडिया रिसीव्ड है इनकम तो भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर कोई इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है सेक्शन 7 तो भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है? हाँ जी। इसका रेलिवेंस केवल और केवल एक्रू और अराइज मानने से है, वो भी इन इंडिया। हाँ, चलिए कुछ मैंने बुलेट पॉइंट्स दे रखे हैं, उनको देख लेते हैं क्या है, क्योंकि इस सेक्शन के बारे में यही चीजें जो मैंने आपसे डिस्कस की वो बताएगा। कहता है द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस कनेक्शन इज दैट अ नॉन रेसिडेंट पर्सन शुड बी लायबल टू टैक्स फॉर द प्रॉफिट अर्न इंडिया। अच्छा हाँ, ये भी मैं बता दूं कि इस सेक्शन का रेलिवेंस तो वहां पर है जहां पर एक नॉन रेसिडेंट उस इनकम पर इंडिया में टैक्स देगा जिसको डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया मान लिया गया हो। बेटा अब इस पर भी इनकम दो, क्योंकि अब जब ये सेक्शन नहीं था तो तुम कह सकते थे आई एम नॉट लायबल और रिस्पॉन्सिबल टू पे द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन दीज इनकम, बट नाउ दोज टाइप ऑफ इनकम आर फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ इनकम डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। तो भैया अब आप इस इनकम पर भी टैक्स दो, यानी कि नॉन रेसिडेंट के ऊपर टैक्स लायबिलिटी तय हुई है इस सेक्शन पर, इस सेक्शन के कारण कई इनकम्स पर। ठीक, चलें। इफ ही हैज रियल एंड सिग्निफिकेंट और सब्सटेंशियल इकोनॉमिक नेक्सस विद इंडिया, जाहिर सी बात है अनजाने में नहीं, आंख मूंद कर नहीं, और ना ही किसी भी इनकम पर, केवल ऐसी इनकम जो रियल इनकम हो, नॉट द नोशनल इनकम। ध्यान देंगे वर्ड लिखा हुआ है रियल इनकम। रियल इनकम का मतलब कई जगहों पर हम लोगों ने देखा होगा, अगर कोई बंदा रेजिडेंट है चाहे आर ओ आर ओ आर एन ओ आर ओ, तो कई जगहों पर हम वहां नोशनल इनकम पर टैक्स लगाते हैं। कई जगहों पर नॉन रेजिडेंट पर भी नोशनल इनकम पर टैक्स लगाया जाता है, लेकिन वो नोशनल इनकम नहीं होता, बेसिकली वो एज्यूम्ड इनकम होती है 5%, 7.5% शिपिंग वगैरह के केसेस में, एरोप्लेन वगैरह केसेस में वो दूसरी चीज है, वो डीम्ड इनकम, डीम्ड परसेंटेज के हिसाब से इनकम मानी जाती है। लेकिन हम जब इसकी बात करते हैं तो यहाँ रियल इनकम की बात कर रहे हैं, यानी कि ऐसी इनकम जो रियल हो और जिसका नेक्सस हो, कनेक्शन हो इन इंडिया से, उसकी बात करता है ये सेक्शन। अ नॉन रेसिडेंट विल हैव सच रियल एंड सिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंट स्पेशल सॉरी सब्सटेंशियल इकोनॉमिक नेक्सस इफ ही कैरीज ऑन बिजनेस इन इंडिया थ्रू अ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। तो बट ऑब्वियस है, अगर कोई नॉन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इनकम कोई कमा रहा है तो हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे टैक्स दो, टैक्स दो। अरे काय के लिए टैक्स दे, वो आउटसाइड इंडिया रहता है, आउटसाइड इंडिया कमा रहा है, आउटसाइड इंडिया टैक्स पे कर रहा है, उसका इंडिया से क्या रेलिवेंस है? उससे तो आप टैक्स तब ना लेंगे जब उसका नेक्सस हो, रिलेशनशिप हो या बिजनेस कनेक्शन हो इंडिया के साथ, ऐसे आप टैक्स नहीं ले सकते उससे। जी जी जी। थ्रू अ बिजनेस कनेक्शन इंडिया, फॉर एग्जांपल थ्रू अ ब्रांच ऑफिस इन इंडिया और एन ऑर्गेनाइजेशन और एजेंट ऑफ अ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है,
द टर्म बिजनेस कनेक्शन इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया. फॉर आर एन ओ आर एन एन आर द टर्म बिजनेस कनेक्शन इज नॉट रेलिवेंट इफ द इनकम एक्रू और इज रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, मैंने आपको पहले ही बता दिया इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया के लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, और इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया है तो उसको डीम्ड मानने की तो कोई जरूरत ही नहीं है. बिजनेस कनेक्शन इज नॉट रेलिवेंट फॉर रेजिडेंट एसएससी सिंस द ग्लोबल इनकम ऑफ द रेजिडेंट एसएससी इज टैक्सेबल इन इंडिया. ठीक है, यहां तक तो हम लोग को कोई लोचा नहीं है, ठीक है ना. अच्छा, अब इसके आगे की बात करते हैं भाई साहब. क्या है इसके आगे की बात? इस साल बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंजेस आए हैं इस सेक्शन में. जो अब मैं बोलूंगा उसमें चेंजेस आए हैं. बिजनेस कनेक्शन में शामिल है किसी एजेंट की भी एक्टिविटीज, जो सबसे ज्यादा वाइटल रोल प्ले करता है, क्योंकि हर जगह अगर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है एसएससी का तो वो टैक्स तो देगा ही देगा, लेकिन अगर वो एजेंट के द्वारा काम कर रहा है. बिजनेस कनेक्शन इज डिफाइंड एंड इंक्लूड्स बिजनेस एक्टिविटी कैरिड आउट इन इंडिया बाय अ नॉन रेजिडेंट थ्रू एन एजेंट. And if any non-resident outside India who is outside India is working in India not directly but through with the connection with the agent of India, then in that case, yes, there is a business connection. The agent performs any of the three following functions. अगर कोई नॉन रेसिडेंट इंडिया के किसी एजेंट के साथ मिलकर के कोई इन तीन में से किसी भी एक फंक्शन को परफॉर्म करता है, इन तीन में से किसी भी एक फंक्शन को परफॉर्म करता है, तो बेटा उसका बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया तो है ही है. इज इट क्लियर? अच्छा, इन तीन पॉइंट क्या हैं? जिसमें पहला जो पॉइंट है ना, उसमें आमूल चूल यानी बेसिकली चेंजेस आ चुके हैं, वो भी असेसमेंट ईयर 1920 से. 1819 असेसमेंट ईयर तक आप कुछ और पढ़ते थे, और 1920 से जो इसका फर्स्ट फंक्शन है उसमें ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं. ओके, फर्स्ट चेंजेस यहीं आपको देखने को मिलेंगे. पहला पॉइंट बोलता है, मैं फिर से बोलता हूं, द एजेंट परफॉर्म एनी वन ऑफ द थ्री फॉलोइंग कंडीशन. पहला हैज, यानी एजेंट हैज एंड हैबिचुअली, हैज एंड हैबिचुअली. हैबिचुअली का मतलब आदतन, रेगुलरली, कंटिन्यूअसली. तो हैज एंड हैबिचुअली एक्सरसाइजेज इन इंडिया. भूल जाएंगे आप जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आप लोग भूल जाएंगे. नहीं सर, नहीं भूलेंगे, मैं कहता हूं आप भूल जाएंगे. अंडरलाइन कर दीजिए वर्ड इन इंडिया, क्योंकि यहां पर मैं वापस लाऊंगा आपको और मैं यहां पर शो करूंगा कि इन इंडिया वर्ड कहां लिखा है. अंडरलाइन करना मांगता है. तो हैज एंड हैबिचुअली एक्सरसाइज इंडिया एन अथॉरिटी टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेजिडेंट. ये पहला था पॉइंट. इसके बाद और लिखा है, दैट इज अ डिफरेंट सेंटेंस. तो अभी तक यहां तक बात करते हैं. हैज एंड हैबिचुअली एक्सरसाइजेज इन इंडिया. एक्सरसाइजेज इन इंडिया, क्या एक्सरसाइज करेगा? एन अथॉरिटी टू कंक्लूड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन बी अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं सॉरी कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेसिडेंट और हैबिचुअली कॉन्क्लूड्स contracts or habitually plays a vital or principal role leading to conclusion of contracts by that non-resident and the contracts are. First part वहीं खत्म हो गया था. पहले में भी दो part हैं. पहला part क्या बताया? Has and habitually exercises in India an authority to conclude the contracts on behalf of the non-resident G or habitually concludes contracts or habitually plays the principal role leading to conclusion of contracts by that non-resident and the contracts are.
ये जो सेकंड पार्ट है पहले का भी दूसरा पार्ट, उसमें कहता है कॉन्ट्रैक्ट्स कौन कौन से होंगे। पहला, इन द नेम ऑफ द नॉन रेसिडेंट, वो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, प्रिंसिपल रोल प्ले कर रहा है, वो किसके नाम से कर रहा है, इन द नेम ऑफ द नॉन रेसिडेंट। दूसरा, और लिखा है, और दूसरा 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 फॉर द ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप ऑफ, ठीक है, यहां कंफ्यूजन होने वाला है। सर कंफ्यूजन तो स्टार्ट हो गया मेरे भाई, मैं जानता हूं कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखेंगे और थोड़ी देर बाद जब मैं यही गाना आपके सामने दोबारा गाऊंगा तो शायद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये समझना कि मैंने कब और क्या वर्ड बोला था। जब चीजें आपस, भाई सस्पेंस और थ्रिलर मूवीज में क्या होता है, कत्ल हुआ, कैसे कत्ल हुआ, किसने कत्ल किया, मतलब मर्डर किया, कत्ल का मतलब कत्ल, मर्डर किसने किया, वो कत्ल कातिल कौन है पता नहीं चलता। एक परिवार है, 8 लोग हैं, कुछ रिलेटिव्स नॉन रिलेटिव्स, पूरी पिक्चर घूमती रहती है आसपास। एट लास्ट वी केम टू नो, मींस इफ यू आर सेइंग द मूवी, एट लास्ट वी केम टू नो दैट द रियल मर्डरर वाज नॉट द हीरो, वाज नॉट द हीरोइन, नॉट द फादर और मदर ऑफ द हीरो और हीरोइन, then who was there? Basically the sweeper was the killer. अंत में वही आ जाता है killer, कौन sweeper, कौन प्यून, अरे भाई क्या मतलब है, जिसको मर्जी उसी को ही बना डाला कातिल। तो वही thriller और suspense की बात अगर मैं बोलूं, जैसे चाइना टाउन में आपने देखा होगा, 36 चाइना टाउन, ऐसी ही कुछ स्टोरी थी, तो ये बात कुछ वैसी ही है। इधर से आएगी चीज, इधर से आएगी, इधर से आएगी और इधर से उड़ जाएगी, वो सारी चीजें कॉन्क्लूड होंगी एक जगह पर जब सारी चीजें एक एक बार हम पकड़ लेंगे। तो बिजनेस कनेक्शन मैंने कहा ना, आज हम केवल बिजनेस कनेक्शन की बात करेंगे। मैं फिर बोलता हूँ, बिजनेस कनेक्शन बेसिकली इंटरनेशनल टैक्सेशन को ध्यान में रख करके ये सेक्शन में थोड़ा अमेंडमेंट किया गया है। नॉन रेजिडेंट के ऊपर बेसिकली एप्लीकेबल होता है, बट आरएनओआर के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा टू द सम एक्सटेंट। और कहा गया है बिजनेस कनेक्शन का मतलब थ्रू और फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, थ्रू और फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया, थ्रू और फ्रॉम, पहला पार्ट में बता रहा हूँ, थ्रू और फ्रॉम एनी एसेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया, थ्रू और फ्रॉम इन ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट इन इंडिया, उसमें भी हम पहला पार्ट पढ़ रहे हैं आज, बिजनेस कनेक्शन। तो बिजनेस कनेक्शन में शामिल है आपका कोई भी एजेंट, ठीक है, बिजनेस कनेक्शन में शामिल होगा कोई भी एजेंट जो इन तीन में से कोई एक फंक्शन परफॉर्म करे, जो इन तीन में से कोई एक फंक्शन परफॉर्म करे। और जो पहला फंक्शन है उसमें खुद दो फंक्शन हैं अलग अलग, और करके अलग कर दिया गया, हैज, एजेंट हैज और हैबिचुअली, ओके, एंड हैबिचुअली एक्सरसाइज इन इंडिया एन ऑथोरिटी टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट्स on behalf of the non-resident or habitually concludes or playing the vital role or principal role leading the conclusion leading to conclusion of contracts on behalf of the non-resident and the contracts are in the name of the non-resident or the contracts are for the transfer of the ownership. मैंने यहीं पर stop किया था आपको। हम property लेते हैं, property जिसमें नॉन रेजिडेंट का ओनरशिप है, हो सकता है, या कोई प्रॉपर्टी जो नॉन रेजिडेंट के पास है उसके पास ये राइट टू यूज है, हो सकता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द प्रॉपर्टी कैन ओनली और सोली बाय यूज बाय नॉन रेजिडेंट। तो अगर उस एजेंट की मैं बात करूं तो एजेंट ने काम किया ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेजिडेंट, पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन वो कर सकता है कि नॉन रेजिडेंट की ओन्ड प्रॉपर्टी को रेंटल पे दे सकता है, हाँ या ना, या ट्रांसफर करवा सकता है, या रेंटल पे दिलवा सकता है, या राइट टू यूज दिलवा सकता है। जिसके पास राइट टू यूज है उससे भी राइट टू यूज दिलवा सकते हो, जिसके पास राइट टू यूज है उससे रेंटल दिलवा सकते हो। तो कहने का मतलब फॉर द ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप, for the transfer of the ownership or for the granting of the right to use the property owned by that non-resident
और दैट नॉट से हैज द राइट टू यूज। तो अगर आप इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं तो आपके पास ये दूसरा फंक्शन हो जाएगा नॉन रेसिडेंट का। यानी अगर कोई एजेंट पहला फंक्शन करवाता है, पहला फंक्शन क्या, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है हैबिचुअली, कॉन्क्लूड करने का उसके पास ऑथोरिटी है ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेसिडेंट। इसके आगे जो वर्ड था अनलेस करके, एक पूरा सेंटेंस था परचेस से रिलेटेड था, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, हटा दिया गया। इसके बाद जो पूरा एक सेंटेंस था अनलेस वर्ड करके परचेस से रिलेटेड, उसको बिल्कुल हटा दिया गया है। अब उसकी जगह कर दिया गया और, यानी यहां पर एक नया सेंटेंस आ गया और सेकंड परफॉर्मेंस या फंक्शन जोड़ दिया गया इसी फर्स्ट में। और अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो उसका मतलब आपको मालूम, अगर नहीं पढ़ रखा तो मैं उस चीज को डिस्कस नहीं करने जा रहा क्योंकि चेंज हुआ है, मैं उसको करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और हैबिचुअली कॉन्क्लूड्स कॉन्ट्रैक्ट और हैबिचुअली प्लेज द प्रिंसिपल रोल लीडिंग टू द कॉन्क्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द कॉन्ट्रैक्ट्स आर इन द नेम ऑफ द नॉन रेसिडेंट एंड द कॉन्ट्रैक्ट्स आर फॉर द ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप और द यूज ऑफ द राइट ऑफ द एसेट्स फॉर द प्रोविजन ऑफ द सर्विसेज फॉर द नॉन रेसिडेंट फॉर द प्रोविजन ऑफ द सर्विसेज by the non-resident, for the provision of the services by the non-resident, is it clear? जी। तो ये हमारा पहला पार्ट था, केवल पहला फंक्शन था। तीन फंक्शन मैंने बोले जिसमें पहला फंक्शन ये था, उस पहले फंक्शन में भी दो पार्ट थे और दूसरे पार्ट में खुद तीन पॉइंट थे। अच्छा आएगा दूसरा, has no such authority, ऐसी कोई authority नहीं, जैसे उस ऊपर मैंने बोला ना ए में, सब भूल जाओ, ऐसा भूल जाओ। Has no such authority, but habitually maintains a register of stock in India of goods or merchandise. सामानों का register maintain करता है, stock register maintain करने का काम ये non-resident का agent कर रहा है। जो agent जो in India में है ना, उस non-resident के behalf पर India में register maintain कर रहा है stock और merchandise का, inventory का, which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the non-resident. तो स्टॉक रजिस्टर को मेंटेन करने का काम अगर ये नॉन रेसिडेंट का एजेंट जो इन इंडिया में है वो करता है, वो उसकी डिलीवरी करता है गुड्स और मर्केंडाइज के ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टॉक रजिस्टर, तो कहा गया। ठीक 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 ठीक, ये भी हमारा बिजनेस कनेक्शन है भाई साहब, नॉन रेसिडेंट का इंडिया में। क्यों? क्योंकि नॉन रेसिडेंट का जो इंडिया में एजेंट है वो ये काम कर रहा है। तीसरा और लास्ट, habitually secures orders in India. Habitually secures orders in India mainly or wholly for the non-resident or for that non-resident, other non-resident controlling, controlled by or not subject to the same common control as that non-resident. ये बाद में मैं एक क्वेश्चन आएगा तो उससे मैं डिस्कस करवाऊंगा, फिलहाल अभी केवल इतना जान लीजिए कि अगर कोई ऑर्डर सिक्योर करता है ये एजेंट फॉर नॉन रेजिडेंट, फॉर नॉन रेजिडेंट, वर्ड फिर से मैं पढ़ता हूं, फॉर हैबिचुअली सिक्योर्स ऑर्डर इन इंडिया फॉर नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट के लिए ऑर्डर सिक्योर करना, यानी नॉन रेजिडेंट फिर उनको सेल करेगा। ये जो एजेंट है ऑर्डर लेगा, मुझसे ऑर्डर लिया और वो ऑर्डर उसने नॉन रेजिडेंट को दे दिया, अब नॉन रेजिडेंट मुझे क्या करेगा, सप्लाई करेगा। Habitually secures orders in India mainly or wholly for the non-resident or for that non-resident and the other non-resident controlling, controlled by or subject to the same common control as that non-resident. ये बाद में मैं एक क्वेश्चन के साथ डिस्कस करूंगा, ये नेक्स्ट वाला लास्ट वाला सेंटेंस। ठीक है, फिलहाल कुल मिलाकर हमको तो अभी ये पता चल गया कि जो हमारा नॉन रेसिडेंट होता है, जो उसका इंडिया में एक एजेंट है, इनके बीच में बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा अगर वो एजेंट इन तीन फंक्शंस को परफॉर्म करे। पहला मैंने बताया, अगर हैबिचुअली हैज, हैबिचुअली मैंने बार बार वर्ड बोला, वर्ड ध्यान देंगे, हैबिचुअली वर्ड यूज किया है, हैज एंड हैबिचुअली एक्सरसाइजेस इन इंडिया एन ऑथोरिटी टू कॉन्क्लूड कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स को कॉन्क्लूड करने की ऑथोरिटी मिली हुई है उस नॉन रेजिडेंट के एजेंट को इन इंडिया में ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेजिडेंट, और हैबिचुअली कॉन्क्लूड्स और प्लेइंग प्रिंसिपल लीडिंग रोल इन कॉन्क्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द कॉन्ट्रैक्ट्स आर, पहला, और वो कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेट करता है इन द नेम ऑफ द नॉन रेजिडेंट, ठीक है,
or contracts are for the transfer of the ownership of the property, for the transfer of the use of the property owned by the non-resident or having the right to use in that property. Tisra, contracts are for the provisions of services for the non by the non-resident. Achha. Ye pehla. Dusra. Upar wala chhod do. Upar wala maan lete hai nahi hai. And habitually. Agar upar wala nahi hai. But habitually maintains a stock register in India relating to the inventory or merchandise. Tisra. Habitually secures order in India for non-resident. Bas. Ye teen cheeze maine aapko bataye. अब मुझे बताइए इसमें दिक्कत क्या आ रही है. लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन दिए हुए हैं इन्हीं एजेंट से रिलेटेड. पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन दिया है ना, ये जो मैंने ऊपर एजेंट बताया ना, ये डिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट एजेंट नहीं होना चाहिए. यानी अगर ये एजेंट डिपेंडेंट है तो ही ये एप्लीकेबल होगा बिजनेस कनेक्शन. लेकिन अगर ये एजेंट इंडिपेंडेंट है, भैया तू काम दे रहा है, इसका मतलब मैं तेरा नौकर नहीं हूं. नाउ यू आर प्रिंसिपल एट योर ओन होम, आई एम प्रिंसिपल एट माय ओन होम. यू कैन नॉट कंट्रोल एंड आई एम नॉट कंट्रोल्ड बाय यू. बेसिकली वी आर डीलिंग आवर बिजनेस एट आर्म्स लेंथ प्राइस वन बाय वन. आई एम नॉट कंट्रोल्ड बाय यू or you are not controlling to me. I am an independent agent, just like a stock broker. तो हम उस तरह के agents की बात नहीं कर रहे. यहां पर अगर हम business connection with agent की बात करें in India, तो यहां पर agent का मतलब business connection के साथ केवल और केवल dependent agent की बात हो रही है, independent agent की बात नहीं हो रही. ये exception में बोला गया है. बात तो बिल्कुल genuine है. Business connection shall not include any business activity carried out through a broker, general commission agent or any other agent having an independent status if such person is acting in the ordinary course of his business. ठीक? A stock broker could be a good example of independent agent. ठीक है? दूसरा, where a business is carried on in India through a dependent agent, only so much. अब जितना हम डिपेंडेंट एजेंट के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो केवल उतनी ही इनकम हमारी इंडिया में टैक्सेबल होगी. उस नॉन रेसिडेंट की केवल उतनी ही इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी. उसकी नॉन रेसिडेंट की केवल उतनी ही इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी. अगर इंडिपेंडेंट एजेंट के साथ काम कर रहा है तो अलग अलग. अगर डिपेंडेंट एजेंट के साथ काम कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि डिपेंडेंट मैं उसके अंडर में काम करता हूं तो इसका मतलब नहीं कि मेरी सारी इनकम नॉन रेसिडेंट के साथ बिजनेस कनेक्शन में जोड़ दी जाए. ना बाबा ना. अंडरलाइन कर लें, वेयर बिजनेस इज कैरिड ऑन इंडिया थ्रू अ डिपेंडेंट एजेंट. अंडरलाइन जरूर कर लेंगे. डिपेंडेंट एजेंट के साथ अगर काम कर रहे हैं, यानी कि ऊपर वाले एजेंट के साथ जो हमने तीन फंक्शंस बताए, अगर उस तरह का कोई एजेंट काम कर रहा है तो इसका मतलब उसकी सारी की सारी इनकम नहीं हो जाएगी नॉन रेसिडेंट की इनकम, इनकम डीम्ड टू एक्टिव और अराइज इन इंडिया. ना ना ना, केवल उतनी ही इनकम, इनकम डीम्ड टू एक्टिव और अराइज इन इंडिया उस नॉन रेसिडेंट की इंडिया में मानी जाएगी जितनी एट्रीब्यूट की जा सके. बात खत्म. एट्रीब्यूटेबल यानी प्रोपोर्शनेट इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी. Only so much of the income as is attributable to the operation carried out in India shall be deemed to accrue or arise in India. जी सर, पक्की बात है ना? आपको लगता है ऐसा वैसा सपना, राम राम जपना पराया माल अपना, ऐसा कुछ भी नहीं है. अभी भी आपको लगता है, मैं फिर आता हूं, अगर आपको लगता है कि आपको ऊपर की सारी चीजें समझ में आ गई तो आप एक जगह गलती कर रहे हैं. सर वो कौन सी जगह है जहां पर हम लोग गलती कर रहे हैं? ओ, मैंने आपको कहीं ये बोला कि ये एजेंट नॉन रेजिडेंट का जो ये एजेंट है वो रेजिडेंट एजेंट होगा या नॉन रेजिडेंट एजेंट होगा? मैंने तो इसके बारे में कहीं कुछ बोला ही नहीं. वो जो नॉन रेजिडेंट का जो एजेंट है वो एजेंट रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा? एजेंट का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा वो तो बता दो सर. कोई भी हो सकता है,
कोई भी हो सकता है, वो रेजिडेंट भी हो सकता है, वो नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। तो एजेंट के ऊपर बेटा ये चीज याद रखना, वो एजेंट रेजिडेंट हो या वो एजेंट नॉन रेजिडेंट हो, दोनों के ऊपर ये सिस्टम एप्लीकेबल होगा, बशर्ते वो, मैं फिर आता हूं, चाहे वो एजेंट रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, हैज एंड हैबिचुअली एक्सरसाइजेस इन इंडिया। तो वो नॉन रेजिडेंट होगा अगर वो इन इंडिया में एक्सरसाइज करता है, कोई कॉन्क्लूड करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेजिडेंट, तो भी वो कवर होगा। ओ बात समझ में आई। अब फिर से कुछ ऐसे बिजनेस कनेक्शन है जिनको माना ही नहीं गया बिजनेस कनेक्शन, इनको सेक्शन 9 से हटा दिया गया। अगर हम ये पॉइंट यहीं पर छोड़ देते ना, तो जो अब मैं बोलने जा रहा हूं शायद आप इसको शामिल कर लेते। मैं फिर से बोलता हूं, मैंने ये बोला कि अगर ये सेक्शन नहीं होता तो शायद इसके अंदर आने वाली जितनी भी इनकम है उनको हम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानते, वो एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया थी, लेकिन इस सेक्शन के आने के कारण अब वो इन इंडिया हो गई। अब इन इंडिया हो गई तो सारी वैसे उस तरह की सारी इनकम इन इंडिया हो गई, जैसा कि मैंने बोला बिजनेस कनेक्शन होने के कारण। लेकिन फिर से इसमें से कुछ निकाल करके बाहर किया कि बेटा तू जा बाहर, तुझे बिजनेस कनेक्शन में मान लिया गया है, अब तू जा बाहर, तुझे नहीं माना जाएगा। यानी कुछ ऐसी इनकम्स थी जिनको बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया होते हुए भी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया नहीं माना जाएगा। इनकम इज शैल नॉट बी डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, इनको डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया माना ही नहीं जाएगा। In the case of a non-resident, the following shall not be considered as business connection in India, and therefore no income shall be deemed to accrue or arise in India. ध्यान देंगे, ये चार पॉइंट हैं जो आपको important हैं और ध्यान से सुनने चाहिए। बोलो, इसके बाद तो बहुत कम टॉपिक बचेगा, इसमें ढंग से सुनेंगे। क्योंकि लाइट चली गई है तो मेरा भी दिमाग अब जहर सी बात है, ठीक है ना? तो पसीने में तर बतर पढ़ा रहे हैं तो ढंग से सुनेंगे। therefore no income shall be, ठीक है, हाँ, याद समय सुर लय ताल बिगड़ जाता है तो सारी चीजें गड़बड़ हो जाती है ना। मैंने कहा फूलों से गाना मत बोलो। मैंने कहा कि अगर ये सेक्शन नहीं होता तो नॉन रेसिडेंट से रिलेटेड इनकम्स को हम बाहर ही टैक्स लगाते, मतलब वो आउटसाइड इंडिया, तब तो इंडिया में टैक्स नहीं लगता। लेकिन इस सेक्शन के आने से कुछ इनकम जो एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया है उसको मान लिया गया टू द एक्सटेंट कि वो इंडिया में एक्रू और अराइज इन इंडिया मान ली जाएंगी। लेकिन अब चूंकि उस तरह की सारी इनकम डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया हो गया, तो कुछ ऐसी इनकम थी जिनको हटाना जरूरी था ताकि इनको इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया ना माना जा सके, वो चार इनकम हटाई गई। पहला तो शूटिंग मान लो, दूसरा न्यूज एजेंसीज मान लो, या कोई नॉन रेसिडेंट केवल इन इंडिया में सामान परचेस करता है एक्सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, जो आपके दिमाग में इस समय कंफ्यूजन दौड़ रहा होगा, क्योंकि अभी तक शुरू से लेकर मैंने आपको केवल एजेंट 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 शुरू के 5-10 मिनट छोड़ दिया है, तो एजेंट पर डिस्कशन किया है, तो आपके दिमाग में वो एजेंट चल रहा होगा। पहले तो अब अपने दिमाग से उस एजेंट नाम के कीड़े को दिमाग से निकालें। अब मैं एजेंट की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, वो जो तीन फंक्शन, कुल 6 फंक्शन हम लोगों ने देखे, वो किनारे कर लो बेटा, बिल्कुल किनारे हो जाने चाहिए, हम उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। अब एजेंट नाम का कीड़ा हमारे दिमाग में नहीं रेंगना चाहिए, ठीक। यहां नॉन रेजिडेंट की बात हो गई। ट्रांजेक्शन दैट आर कन्फाइंड टू मेयर परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट, अगर कोई नॉन रेसिडेंट परचेज करता है गुड्स इन इंडिया एक्सपोर्ट करने के लिए, अगर कोई नॉन रेसिडेंट परचेज करता है गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट ओनली, अगर कोई नॉन रेसिडेंट परचेज करता है गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट ओनली। मैंने ये नहीं कहा कोई नॉन रेसिडेंट ऑन बिहाफ ऑफ द कोई एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेसिडेंट परचेज करता है गुड्स, ना 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 ना, उसकी तो मैं बात ही नहीं करता, एजेंट की तो बात ही नहीं मत करना, एजेंट को दिमाग से किनारे करो, क्योंकि वो टॉपिक चेंज हो चुका है, अब हम एजेंट के नहीं मालिक की बात करते हैं। तो अगर कोई नॉन रेसिडेंट जो आउटसाइड इंडिया है, इंडिया में कोई सामान खरीदता है परचेज करता है आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट करने के लिए, तो उसको इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। इज इट क्लियर? पहला। दूसरा, ऑपरेशंस कन्फाइंड टू कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज इन इंडिया for transmission out of India by or behalf of the non-resident who is engaged in the business of running news agency or a publication, newspaper or magazines or general news and views, news and views, news कैसे भी हो सकता है, views
ऐसी बात है चैनल्स के थ्रू होते हैं। तो अगर कोई न्यूज एंड व्यूज का काम करता है, जर्नल मैगजीन्स के पब्लिकेशन न्यूज एजेंसी चलाता है, नॉन रेजिडेंट है, तो अगर कलेक्शन करता है या पब्लिकेशन करता है किसी इंडियन न्यूज को आउटसाइड इंडिया ले जा करके यहाँ से कलेक्ट करके, तो उसको भी हम इनकम डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे। तीसरा, ऑपरेशंस कन्फाइंड टू द शूटिंग ऑफ सिनेमाटोग्राफिक फिल्म इन इंडिया वेयर सच नॉन रेजिडेंट। अगर कोई नॉन रेजिडेंट कोई ऐसा ऑपरेशन यानी ऑपरेशन का मतलब काम करता है, डॉक्टर नहीं ऑपरेशन नहीं, अगर कोई नॉन रेजिडेंट सिनेमाटोग्राफ मूवी बनाता है इन इंडिया में, तो अगर कोई नॉन रेजिडेंट सिनेमाटोग्राफिक मूवी बनाता है इन इंडिया में, फिल्म इन इंडिया, तो उसको भी हम इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं बोलेंगे अलग। अगर 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 वो नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल के बेसिस पर काम करता है, वही प्रोपराइटर है, वही मालिक है, तो वो नॉन रेसिडेंट है और वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है। नॉन रेसिडेंट है और सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, नॉन रेसिडेंट की बात हो रही है, लेकिन सिटीजन हो सकता है इन इंडिया का कि वो नॉन रेसिडेंट हो। हाँ, तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है। अच्छा, हो सकता है वो फर्म हो, कोई सिनेमाटोग्राफिक फिल्म बना रहा हो, नॉन रेसिडेंट फर्म हो, और उस फर्म का कोई भी पार्टनर ना तो रेजिडेंट हो और ना तो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, तभी उसकी इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया आउटसाइड इंडिया मानेंगे, इन इंडिया नहीं मानेंगे। और कंपनी है तो उसका कोई भी शेयर होल्डर इंडिया में ना तो सिटीजनशिप हो और ना ही वो रेजिडेंट हो। सर कुछ गड़बड़ है, मैंने कहा नॉन रेजिडेंट ने इंडिया में कोई सामान खरीदा ताकि वो उनको एक्सपोर्ट कर सके, इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे। अगर कोई नॉन रेजिडेंट न्यूज के व्यूज, न्यूज एंड व्यूज के कलेक्शन और पब्लिकेशन, जर्नल और मैगजीन्स का काम करता है, नहीं मानेंगे। अगर कोई नॉन रेजिडेंट जो इंडिविजुअल है और इंडिया का सिटीजन नहीं है, नॉन रेजिडेंट जो इंडिविजुअल है और सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, और वो मूवी बनाने का काम करता है, कैसे ऐसे नहीं ऐसे, हाँ ऐसे करके चलते हैं ना कैमरा लेकर के, तो किनारे है। लेकिन कोई फर्म है मूवी बनाने का काम कर रही है, सिनेमाटोग्राफिक फिल्म, मूवी, डॉक्यूमेंट्री, कुछ भी, उसका कोई भी पार्टनर रेजिडेंट ना हो और सिटीजन ऑफ इंडिया में ना। तीसरा, अगर कोई कंपनी है तो उसका कोई भी शेयर होल्डर रेजिडेंट ना हो या सिटीजन ऑफ इंडिया ना। बात समझ में आई? तो पहला काम मैंने बताया परचेस से रिलेटेड, दूसरा काम मैंने बताया न्यूज व्यूज के रिलेटेड, तीसरा काम मैंने बताया सिनेमाटोग्राफ मूवी से रिलेटेड, फोर्थ डायमंड के माइनिंग एंड कटिंग से रिलेटेड है। इन अ केस ऑफ फॉरेन कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ माइनिंग डायमंड्स, नो इनकम शैल बी डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया टू इट थ्रू और फ्रॉम द एक्टिविटीज विच आर कन्फाइंड टू डिस्प्ले ऑफ अनकट एंड अनअजर्टेड डायमंड्स इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। फिलहाल हम इस चीज को केवल इतना ही बता दें आपको कि अगर कोई फॉरेन कंपनी इन इंडिया में कोई काम करती है डायमंड के कट और एजर्टेड से अनएजर्टेड से रिलेटेड, तो फिलहाल इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे जब डायमंड से रिलेटेड बात करेंगे। तो मैंने कहा ना आज हम लोग केवल एक ही इसका अमेंडमेंट करेंगे, इसका एक और अमेंडमेंट है जिसका मैं आज बिल्कुल जिक्र नहीं करने जा रहा, बिल्कुल नहीं करने जा रहा। वो इसलिए नहीं करने जा रहा कि अगर अभी आपको वो सेकंड अमेंडमेंट बता दिया तो थोड़ा ना थोड़ा कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है अमेंडमेंट नंबर 2, उसको हम सेकंड क्लास में डिस्कस करेंगे, कहेंगे तो अभी हम कर लें, लेकिन है तो नहीं ज़्यादा, कहेंगे तो आप नहीं, आप तो कुछ कह नहीं सकते, तो चलेगी तो मेरी ही। फिलहाल अब मैंने आपको जो ऊपर बताया था कि जो इनकम एट्रीब्यूट की जाएगी कैसे की जाएगी, इन केस ऑफ अ बिजनेस इन विच ऑल द ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड आउट आउट इन इंडिया, कैरिड आउट इन इंडिया, द इनकम ऑफ द बिजनेस डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया शैल बी सच पार्ट ऑफ द इनकम रीजनेबली एट्रीब्यूटेबल टू द ऑपरेशन कैरिड आउट इन इंडिया।
तो सारी इनकम एजेंट की या नॉन रेजिडेंट की इन इंडिया टैक्सेबल नहीं हो जाएगी ना 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 उतनी जितनी प्रोपोर्शनेट हम लोग करेंगे. लेकिन अगर इफ सच इनकम कैन नॉट बी डेफिनेटली एसर्टेड, अगर वो इनकम ना डिटरमाइन की जा सके, देन इट मे बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज. पहला दो तो बहुत आसान है, तीसरा एक टेंशन है. At a percentage of the turnover as may be considered reasonably by the assessing officer. तो assessing officer को अगर लगता है कि इतना percentage, तो बात खत्म. अगर assessing officer को लगता है इतना percentage, तो बात खत्म. उस समय आप सोचने की जरूरत नहीं. Percentage of what? Percentage of turnover. अच्छा. दूसरा, कोई भी ऐसा method जो assessing officer को उचित लगे. ये last था, मैंने पहले ही बता दिया. कोई भी ऐसा मेथड जो एसेसिंग ऑफिसर को उचित लगे, कोई भी ऐसा मैनर, कोई भी ऐसा तरीका जिससे रीजनेबली इनकम कैलकुलेट की जा सके एसेसिंग ऑफिसर की मर्जी से, यानी कि उचित होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए. बात खत्म. जो इंपॉर्टेंट है, द प्रॉफिट मे बी अपोर्शनड. मैंने कहा ना रीजनेबली अपोर्शनड एट्रीब्यूटेबल. द प्रॉफिट मे बी अपोर्शनड. अब मैं कहूँ इतनी टोटल इनकम में इतना प्रॉफिट कमाया, तो इतने टर्नओवर या रेवेन्यू या रिसीट में कितना कमाया, इतने टोटल टर्नओवर में इतना प्रॉफिट, तो इतने टर्नओवर में कितना प्रॉफिट, इतनी टोटल रिसीट में इतना प्रॉफिट, तो इतने रिसीट में कितना प्रॉफिट. यही तो है दूसरा. क्या टेंशन है? पहला परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, दूसरा जितना कि एसेसिंग ऑफिसर को मेथड अच्छा लगे, तीसरा जो जेन्युइन है, इतने टर्नओवर पर इतना प्रॉफिट, तो इतने टर्नओवर पर कितना, इतने रिसीट पर इतना प्रॉफिट, तो इतने रिसीट पर कितना. हो गया. मैंने कहा ना एक अमेंडमेंट हम लोगों ने छोड़ा हुआ है, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे. कुछ केस लॉज हैं, 4 से 5 केस लॉज हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं आज. नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो अमेंडमेंट प्लस बीपीओ प्लस एक न्यूमेरिकल, इसी बिजनेस कनेक्शन से रिलेटेड हम बात करेंगे. ठीक, मैंने कहा था शुरू में, होप सो कि आज ये शायद खत्म हो जाए. चलें, बरेंद्र प्रसाद रॉय एंड ओआरएस का केस है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, ढंग से सुनेंगे. मैं दो लाइन पढ़ूंगा, उसके बाद मैं उसकी आपको थ्योरी बता दूंगा. एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोफेशनल कनेक्शन अमाउंट्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस कनेक्शन. तो यहाँ बिजनेस कनेक्शन का मतलब, मैंने केवल बिजनेस 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 बोला है, तो भैया प्रोफेशनल कनेक्शन भी बिजनेस की जगह यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अगर प्रोफेशनल बात हो रही है तो, क्योंकि प्रोविजन ऑफ सर्विसेज भी एजेंट के केस में आया था जी. अच्छा, दूसरा अ रिलेशन, उसी में अ रिलेशन टू बी बिजनेस कनेक्शन मस्ट बी रियल and intimate and it is only from or through such connection the income must accrue or arise whether directly or indirectly to the non-resident. ये याद रखेंगे, वो business connection real होना चाहिए, जानकारी में होना चाहिए, agreement उस हिसाब से होना चाहिए, और जो income पर हम India में tax लगाने जा रहे हैं वो उस business connection के कारण आनी चाहिए. ये इस decision में दिया गया Supreme Court में, बरेंद्र प्रसाद रॉय and ORS. दूसरा Brown and Sharp Inc. इलाहाबाद हाई कोर्ट का है. नॉर्मली अब मैंने अपना कोई लाइजनिंग ऑफिस खोल लिया, जहां पर मैं कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वहां से नहीं करवाता हूं, वहां कोई मैन्युफैक्चरिंग और कॉमर्शियल एक्टिविटीज नहीं हो रही है, तो कहा गया अगर कोई मार्केटिंग एक्टिविटी नहीं है, कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज नहीं है, मैंने केवल वहां पर लाइजनिंग ऑफिस खोल रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको केवल हम बिजनेस कनेक्शन वर्ड नहीं बोलेंगे. In a case where such licensing office acts as a permanent establishment and engages itself in commercial activity, income attributable to such licensing shall be chargeable to tax in India. लेकिन अगर उस licensing office से हम कुछ order secure कर रहे हैं, उस licensing office से हम कुछ marketing कर रहे हैं, commercial activities कर रहे हैं, तो भैया वो आपका business connection in India मान लिया जाएगा. ठीक है ना? अब्दुल्ला भाई अब्दुल कादर वर्सेस सीआईटी बॉम्बे. एसएससी एक्टेड एज अ कमीशन एजेंट ऑफ अ नॉन रेजिडेंट एंड एंटर्ड इनटू ट्रांजैक्शन विद इन द टैक्सेबल टेरिटरीज ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेजिडेंट. तो भैया ये तो बिजनेस कनेक्शन है, इसको तो हम नहीं भी पढ़े होते तो भी आप समझ सकते थे कि, लेकिन हाँ ये ध्यान दें कि जो फैक्ट्स होते हैं ना उनके बेसिस पर डिसीजन दिया जाता है. तो राइट नाउ वी हैव द केसेस इन अ समरी फॉर्म. राइट नाउ वी आर नॉट डिस्कसिंग इन अ डिटेल्ड मैनर व्हाट वॉज द फैक्ट, who was appellant and who was respondent, we don't know right now. हम लोगों ने कुछ सीरीज स्टार्ट की है, बेसिकली हम सी ए फाइनल और सी एम ए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, सी एस प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स से दरख्वास्त यानी रिक्वेस्ट या गुजारिश करेंगे कि केस स्टडी की जो सीरीज हम लोग दे रहे हैं उनको आप थॉरली देखें. एवन दो सीरीज आर मच बेनिफिशियल टू द प्रोफेशनल्स, बट यस
यू विल बी अपडेटेड टू द एक्सटेंट, आप भी अपडेशन में आ सकते हो। हम लोगों ने वहां पर सारी डिटेल में केस स्टडीज दे रहे हैं धीरे धीरे करके, YouTube में चाहें या फिर आप हमारे वेबसाइट से चाहें तो उनको डाउनलोड करके आप उनको व्यू कर सकते हैं, फायदा ही मिलेगा। बिल्कुल लेटेस्ट केस लॉज होते हैं हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के, जो रिसेंट में आते हैं हम लोग तुरंत उसको दो दिन दस दिन के अंदर डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। तो आप भी कोशिश करिए कि उनको जो चीज़ हम लोगों ने स्टडी की, एक केस स्टडी को स्टडी करने में एक दिन दो दिन या तीन दिन का टाइम लग जाता है, उसके बाद डिलीवर करना पड़ता है। इफ़ यू आर जस्ट गेटिंग ऑल दोज थिंग्स विद इन 10 to 15 और हाफ एन आवर, देन आई थिंक सो दैट यू शुड बी बेनिफिटेड विद दोज थिंग्स। तो आप उन चीज़ों को बिल्कुल देखें। ये तो केस लॉज हैं जो बहुत ही समरी में दिए गए हैं, इनके फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको नहीं दिए गए हैं, केवल कॉन्क्लूजन दिया गया है व्हाट वाज हेल्ड दैट बस। तो यहाँ पर अगर मैंने ये केस नंबर 3 नहीं भी आप लोगों को दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं आई होती। केस नंबर 4 यमाटेक हनीवेल कंपनी लिमिटेड राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा, फॉरेन कंपनी है, उसने अपने कुछ टेक्नीशियन इंडिया में भेजे और एक इंडियन कंपनी को एसिस्ट किया कुछ काम करने में, लाइसेंस प्रोडक्ट्स एंड पार्ट्स बनाने में। अब वो टेक्नीशियन, फॉरेन कंपनी अपने टेक्नीशियन रेगुलरली कभी कभी भेजती रहती है इंडिया में ताकि वो लोग देख सके सारा कामकाज ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं। अब वो लोग जब वहाँ अपना देश छोड़कर हिंदुस्तान में आते हैं तो वहाँ से एब्सेंट रहते हैं, तो वहाँ की कंपनी को कुछ न कुछ नुकसान होता है और यहाँ की कंपनी को फायदा मिलता है। तो यहाँ की कंपनी क्या करती है, जाहिर सी बात है उसको फायदा मिल रहा है यहाँ की कंपनी को थ्रू नॉन रेसिडेंट, और ये कंपनी उस नॉन रेसिडेंट कंपनी को एब्सेंस फीस देती है क्योंकि ये टेक्नीशियन वहाँ एब्सेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, तो वहाँ एब्सेंस के कारण वहां नुकसान हो रहा है, तो यहाँ की कंपनी जिसको फायदा हो रहा है उसने वहां की कंपनी को कुछ एब्सेंस फीस के नाम पर कुछ अमाउंट दिया। तो कहा गया ये एब्सेंस फीस भी नॉन रेसिडेंट की इनकम ड्यू टू एक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी, ठीक है ना, और ये बिजनेस कनेक्शन में शामिल होगी। फ्राइड क्रुप इंडस्ट्रीज, व्हेन अ पर्सन, क्रुप है बीच में जीरो लिखा हटा देंगे, व्हेन अ पर्सन परचेजेस मशीनरी और गुड्स फ्रॉम अ फॉरनर ऑन द बेसिस ऑफ अ प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल ट्रांजैक्शन, इट इज नॉट अ बिजनेस कनेक्शन। नहीं, अगर प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल काम होता है परचेसिंग, तो वहां पर हम लोग का बिजनेस कनेक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो जिसकी जहां इनकम है उसी बेसिस पर टैक्स लगेगा, बात खत्म। अगर इंडिया में लगना चाहिए तो इंडिया में, नहीं लगना चाहिए तो नहीं, लेकिन बिजनेस कनेक्शन के कारण वो इनकम को एट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा अगर प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पर है तो। अब मुझे बताएं दिक्कत क्या है, कहिए तो क्वेश्चन नहीं करेंगे आज। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सारे के सारे प्रोविजन जितने भी आज हम लोगों ने बिजनेस कनेक्शन से रिलेटेड किए, इट विल बी अपडेटेड बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट सेशन, क्योंकि नेक्स्ट सेशन जब स्टार्ट होगा तो जो अमेंडमेंट आया है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और बीपीओ से रिलेटेड जो पॉइंट मुझे आपको डिस्कस करवाना है टैक्सेशन उसको डिस्कस करेंगे, और तीसरा एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, जो हम लोगों ने पूरा 911 का ए हटा करके ए बी सी बी सी डी वो करेंगे, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सारे डिस्कशन करेंगे, यानी कि हमारे दो सेशन और लगने वाले हैं इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।